गुड मॉर्निंग दोस्तों, चिकमंगलूर से निकल गया हूँ और प्लान में किया थोड़ा चेंज। पहले प्लान ये था कि यहाँ से जाऊँगा कुर्ग। कुर्ग में पहले भी आ रखा हूँ, चिकमंगलूर फर्स्ट टाइम आया था। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि दोनों जगहें सेम सेम सी है। कुर्ग में भी ऐसे ही कॉफ़ी प्लांटेशन है, वाटरफॉल्स हैं और हिली एरिया है, ठंडा मौसम है। यहाँ पर भी सेम वही है, तो रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो मैंने प्लान चेंज किया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ उडुपी। उडुपी है कोस्टल कर्नाटका में, समुद्र के किनारे बसा हुआ एक शहर है। अब वहाँ जा रहा हूँ, यहाँ से उसका डिस्टेंस है 177 किलोमीटर चिकमंगलूर से, और तकरीबन 4.5 से 5 घंटे लगेंगे वहाँ पहुँचने में। और रास्ता ऐसा है, हिली एरिया, सारा जंगल के बीचों बीच से जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। तो अभी मैं निकला था तो बीच में मुझे ये दिखा कॉफ़ी प्लांटेशन, तो बहुत ही खूबसूरत लगा, सोचा थोड़ा रुक के वीडियो बनाऊँ। और उधर एक आइसक्रीम की स्टॉल है, तो थोड़ा सा ब्रेक लिया, वीडियो भी बन जाएगी और थोड़ा ब्रेक भी हो जाएगा। और अब सीधा चलते हैं उडुपी, मिलते हैं आपसे समुद्र किनारे, अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाते हैं। चलिए। दोस्तों, मलपे बीच उडुपी पहुंच गया हूं और बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, लॉन्ग वीकेंड होने के कारण। मैंने मेक माई ट्रिप पे चेक किया था, यहां आने से पहले जो भी यहां की बेस्ट प्रॉपर्टीज़ है सारी सोल्ड आउट है। और यहां आके मैंने जब सर्च किया तो जो लिस्टेड प्रॉपर्टीज़ भी नहीं है ना, जो booking.com पे, मेक माई ट्रिप पे, किसी भी साइट पे, वो सब भी सोल्ड आउट है। बट लकीली मुझे एक रूम मिल गया है, बीच पे एक छोटा सा रिजॉर्ट है और उसी के आगे एक शेक भी है, फिशर्समैन बे। तो ये शेक देख के और यहाँ की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी देख के, टैटू वाले जो बैठे हुए हैं उनको देख के, एक मिनी गोवा वाली फील आ गई है। तो अभी तक साउथ साउथ इंडिया में जितने भी मैंने बीच देखे हैं, आंध्रा में, इससे पहले मैं वाइजाग गया था, और कर्नाटक में भी मैं मैंगलोर गया था, तो ये बीच मुझे अभी तक का सबसे बेस्ट बीच लगा है, क्योंकि यहाँ पे एक मिनी गोवा वाली फील आ रही है। और सी वॉक भी है, अभी वहाँ भी मैं जाऊँगा और कल जाऊँगा सेंट मैरीज आइलैंड, जो यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, और उसके लिए बोट चलती है, स्पीड बोट है, दो तीन तरह की बोट है, अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, कल सुबह जब मैं जाऊँगा जब आपको दिखाता हूँ, मतलब अच्छी फील आ गई है। दोस्तों, ये मेरी गाड़ी पार्क है और इस रिज़ॉर्ट में मुझे लकीली रूम मिल गया है, और ये एक शेक है, फिशर्समैन बे बीच कैफ़े। तो ये बिल्कुल गोवा वाली फीलिंग है इधर, जो कि साउथ इंडिया के किसी बीच में मुझे आज तक नहीं मिली है। टू स्टोरी है, नीचे भी बैठने की जगह, ऊपर भी बैठने की जगह। अभी मैं गया था, एक माइनस पॉइंट है कि बहुत ही कम ऐसे शेक है इधर, जिसकी वजह से सर्विस बहुत डिले कर रहे हैं। मैंने मंगाए थे कुछ प्रॉन्स नूडल्स, उसके लिए मुझे 45 मिनट्स लगे, बाकी वैसे अच्छा फूड अच्छा था। और ये टैटू शॉप है, कुर्ग चॉकलेट स्पाइसेस और इस टाइप की कुछ मार्केट है, और भी शॉप्स हैं पीछे, ये मेन बीच के ऊपर है। और ये देखिए, ऐसा नहीं लग रहा कि किसी बीच पे हूँ मैं, ये देखिए ऐसा लग रहा है किसी लोकल मेले में आ गया हूँ मैं। जेट्स की, स्पीड बोट, बनाना राइड, और भी बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ हो रही है इधर, पैराग्लाइडिंग। देखिए बहुत ज़्यादा क्राउड, बहुत ज़्यादा, कैमल राइडिंग और हॉर्स राइडिंग भी हो रही है, काम आ गया हॉर्स। वह मारेगा काफी ऊपर चढ़ा दी होती मेरे, कमाल की बात है यार। ये एक टेम्पल है, कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बट यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हनुमान जी का टेम्पल है। बीच के ऊपर ही है ये, सी वॉक के पास में, और सुबह सुबह यहाँ पे
पूजा अर्चना चल रही है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज दिन की शुरुआत थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, 6 बजने वाले हैं और अभी मैं हूँ सी वॉक पे। 6:15 का सनराइज़ का टाइमिंग है, सी वॉक से सनराइज़ बहुत अच्छा दिखता है, तो पहले सनराइज़ देखेंगे, उसके बाद यहीं पीछे ही कुछ स्टॉल्स हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद पीछे आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो उधर बुकिंग काउंटर है सेंट मेरीज आइलैंड के लिए, जो बोट चलती है उनका, और वहीं पर बोट खड़ी है। 8:30 to 5:30 इसका टाइमिंग है और 400 पर पर्सन चार्ज है, तो हम सबसे पहली बोट पकड़ेंगे 8:30 वाली, क्योंकि उसके बाद धूप बहुत तेज़ हो जाएगी तो थोड़ा आनंद कम हो जाएगा घूमने का। तो अर्ली मॉर्निंग इसलिए स्टार्ट किया है कि सबसे पहले ये जो बीच है, ये आइलैंड है, ये सब कवर करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे श्री कृष्णा टेम्पल, जो कि उडुपी का बहुत फेमस टेम्पल है। टेम्पल विजिट करने के बाद हम जाएंगे लोकल साइट सीइंग के लिए। उसके बाद मणिपाल का आपने नाम सुना होगा, मणिपाल यूनिवर्सिटी है, मणिपाल हॉस्पिटल्स है, तो वो यहीं से है, उडुपी से ही है, तो उसका भी एक चक्कर लगाएंगे। और आसपास जो भी कुछ फेमस जगहें होंगी मेन उसको कवर करेंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत सनराइज़ के साथ। और पीछे आप आइलैंड देख रहे हैं, शायद यही है सेंट मेरीज आइलैंड, या हो सकता और पीछे हो, क्योंकि एक आइलैंड इधर है, एक छोटा सा आइलैंड इधर नज़र आ रहा, बट वो सेंट मेरीज आइलैंड 8 किलोमीटर्स बताया यहाँ से, मालपे बीच से, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। वो पीछे दिखाई दे रहा वो होगा, या हो सकता इसके भी और पीछे हो। दोस्तों सेंट मेरीज आइलैंड के लिए बोट लेने जा रहा हूँ, वन वे 15 मिनट्स है, 15 मिनट्स जाना, 15 मिनट्स आना, और 1 घंटा वो कम से कम वहाँ मान के चलिए आप। ये एंट्रेंस है सेंट मेरीज आइलैंड की, दोस्तों सेंट मेरी आइलैंड पहुँच गया हूँ। प्लास्टिक इधर अलाउ नहीं है, तो मैं अपने साथ वाटर बॉटल लाया था, उन्होंने बारी जमा करवा ली है, 10 रुपीज़ उसका चार्ज लिया है। और छोटा सा आइलैंड है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट आधे घंटे में आप पूरा इसको कवर कर सकते हो, अगर थोड़ी देर बैठना चाहे तो बैठ सकते हो। बोट वालों ने हमें 45 मिनट्स का टाइम दिया रिटर्न आने के लिए, तो 45 मिनट्स इनफ है यहाँ के लिए। और कोशिश करें कि अर्ली मॉर्निंग की या इवनिंग की ही बोट लें आप, क्योंकि दोपहर में तो बहुत गर्मी हो जाती है, अभी भी थोड़ा ह्यूमिड है, स्वेटिंग हो रही है, बट नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। देखिए कितना खूबसूरत आइलैंड है, छोटी छोटी ये चट्टाने हैं जिससे लहरें टकरा रही है, और ये बिल्कुल क्लियर वाटर है, एकदम ब्लू वाटर। स्विमिंग अलाउ नहीं है, बट फिर भी कुछ लोग उधर कर रहे हैं स्विमिंग, बट नज़ारा तो देखने लायक है, एक बार ज़रूर आ सकते हैं इधर। ये देखिए दोस्तों मेरे पीछे का नज़ारा, मस्ट विजिट प्लेस है, अगर आप कोस्टल कर्नाटका आते हैं तो एक बार यहाँ ज़रूर आएँ, बहुत ही सुकून मिलेगा आपको यहाँ के, बहुत ही गज़ब का नज़ारा है। जाने का तो मन ही नहीं कर रहा, बट जाना पड़ेगा, बोट वाले ने 45 मिनट्स का टाइम दिया है, तो मज़ा आ गया यहाँ के। दोस्तों ये है श्री कृष्णा मठ, मेन मंदिर यही है, और इस परिसर में ऐसे 8 मंदिर बताते हैं, और श्री कृष्ण जी के दर्शन यहाँ खिड़की के पीछे से होते हैं। बाकी कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर जितना पता चल पाया वो आपको बता रहा हूँ। और ये देखिए
कितने लंबी लाइन लगी हुई है, एंड नहीं दिख रहा लाइन का, कहाँ तक लाइन है। और ये जो यात्रा निकालते हैं वो है शायद, इसके नीचे टायर्स लगे हुए हैं, ऐसे दो तीन खड़े हुए हैं यहाँ पे। और ये एक दूसरा मठ है, श्री खाणी यूरु मठ, ऐसे ऐसे आठ मठ बताए। इधर उधर मार्केट है, गेस्ट हाउस है। कोशिश करता हूँ बाहर से अभी ये लोग दर्शन कर रहे हैं जो अंदर नहीं जा पा रहे, तो कुछ दिखता है कुछ दर्शन हो जाते हैं तो दिखाता हूँ आपको। यहीं से दर्शन कर लीजिए आप बाहर से, अंदर भी बहुत लंबी लाइन है। जय श्री कृष्ण। मणिपाल पहुंचते ही तो एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है और मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट सिटी है दोनों। रोड के उस तरफ अलग सिटी है, रोड के इस तरफ अलग सिटी है, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया से और बाहर से भी स्टूडेंट्स आते हैं। तो जो बड़ी चेन्स है जैसे KFC, मैकडी, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट या और भी कोई कपड़ों की है, वुडलैंड है, तो सारे शोरूम्स हैं और बहुत ही अच्छी मार्केट्स है, बिल्कुल चेंज है दोनों तरफ में। दोस्तों बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंच गया हूं। कर्नाटक का हमारा सफर अब यहीं खत्म होता है। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नए सफर पे, नई जगह पे। ये वीडियोस आपको कैसी लगी कमेंट जरूर बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद।